वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल क्या चाल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते-पढ़ते अब हम लोग एंटर कर चुके हैं मेजर थर्मोडायनेमिक्स की तरफ पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि स्टेट क्या होता है स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं स्टेट फंक्शन क्या होता है और फिर हम लोगों ने देखा पाथ फंक्शन क्या होता है और इतनी बात हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझने के बाद अब हम लोग बड़े अच्छे तरीके से रेडी हो चुके हैं थर्मोडाइनमिक्स की तरफ बढ़ने के लिए तो जी हाँ भाई और बहनों मेरा नाम है विनोद चैनल का नाम भी है विनोद चैप्टर का नाम भी है विनोद आप भी विनोद मैं भी विनोद तो चलिए विनोद करते हैं <laughs> अभी विनोद ट्रेंडिंग पर है ना तो चलिए विनोद करते हैं बेचारा पिंकू कुमार की तरह जो तुम्हारे डाउट्स हैं उनको पिंकू कुमार की तरह अवॉइड करो और विनोद की तरह आगे बढ़ो चलिए तो क्या आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे टोटल या मैं कहूं सिंपल भाषा में इंटरनल और इंट्रेंसिक इंटरनल और इंट्रेंसिक एनर्जी क्या होती है ये क्यों होती है अपन इसके बारे में समझेंगे देखो अब क्योंकि हम लोग थर्मोडाइनेमिक्स केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस करेंगे रिएक्टेंट लेंगे उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो जब रिएक्टेंट रहेगा प्यारे बच्चों जब रिएक्टेंट मौजूद होंगे तो रिएक्टेंट की अलग टाइप की एनर्जी होगी या मैं कहूं रिएक्टेंट की एनर्जी अलग होगी जब वो प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट बनेगा, तो बनेगा मतलब एनर्जी में कुछ चेंज आया है एनर्जी में कुछ बदलाव आया है मतलब जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन की जाती है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में कुछ बदलाव आता है अब यह हो सकता है कि रिएक्टेंट से ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्ट की हो या ऐसा हो सकता है रिएक्टेंट से कम एनर्जी प्रोडक्ट की हो और कभी कभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी सेम भी हो सकती है तो बेसिकली अब हम लोग क्योंकि थर्मोडाइनमिक्स केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं दैट इज वी आर डीलिंग विथ केमिकल रिएक्शंस तो हम लोग हमारे सिस्टम को केमिकल रिएक्शन बोल देंगे यानी जो केमिकल रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं अब वो हमारा क्या बन गया सिस्टम क्योंकि हम उन केमिकल रिएक्शन के अंदर थर्मोडाइनेमिकल स्टडी कर रहे हैं तो वो जो केमिकल रिएक्शन है वो बन गया आपका सिस्टम बाकी सब कुछ बन गया आपका सराउंडिंग तो अब जब आप एक सिस्टम की स्टडी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस सिस्टम के अंदर कितने प्रकार की और कौन कौन सी एनर्जी है तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में कुछ स्पेसिफिक एनर्जी आप बता सकते हो लेकिन केमिस्ट्री के अंदर ढेर सारी टाइप की एनर्जी आ जाती है तो यहां पर हमारे पास में ढेर टाइप की एनर्जी आ गई कैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर अपन बात करें एक मॉलिक्यूल के अंदर तो आपको पता ढेर सारे टाइप की एनर्जी मिलेगी फॉर एग्जाम्पल ये मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करेंगे ये मॉलिक्यूल मूव करेंगे तो इनके अंदर आपको मिलेगी काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट किस तरीके का होगा तो हो सकता है ये रोटेशन कर रहे हो तो मॉलिक्यूल अगर रोटेशन करेंगे तो रोटेशनल एनर्जी मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मॉलिक्यूल के अंदर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर एनर्जी देन ट्रांसलेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहे हैं तो ट्रांसलेशन टाइप की एनर्जी और भी बहुत सारा टाइप energy, तो energy, मतलब सारे टाइप की एनर्जी मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं तो वाइब्रेशनल एनर्जी मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर ढेर सारे टाइप की एनर्जी होती है और मॉलिक्यूल्स बना कैसे मॉलिक्यूल कैसे बना कोवेलेंट बॉन्ड बना के आयोनिक बॉन्ड बना के तो जब बॉन्ड बने तो बॉन्ड ने दो एटम्स को फिक्स कर दिया पकड़ लिया तो पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी भी तो काम करेगी और ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों बनेगी ड्यू टू बॉन्ड फॉर्मेशन आपने बॉन्ड बनाया सो ड्यू टू बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से क्या बन गई पोटेंशियल एनर्जी और ये सारी एनर्जी किसकी वजह से या तो मॉलिक्यूल की वजह से या तो एटम की वजह से या तो आयन की वजह से तो अब आपका जो सिस्टम है आपका जो केमिकल रिएक्शन चल रहा है वो इन सब सिस्टम पर बेस्ड है एक एग्जाम्पल एक और लो देखो फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा फॉर एग्जाम्पल बहुत इजी सा अपन एग्जाम्पल लेकर चलते हैं आपने यहां पर एन ए ओ एच लिया आपने यहां पर एच सी एल लिया अब आप इनकी रिएक्शन कर रहे हो तो पहले इसका बॉन्ड टूटेगा पहले इसका बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड टूटने से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी फिर एन एल के बीच में नया बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड इंथेलपी लगेगी एच और ओ OH एच के बीच में नया बॉन्ड बनेगा तो वाटर बनेगा तो इतने टाइप की एनर्जी इस केमिकल रिएक्शन को करने के लिए आपको इतने अलग अलग टाइप की एनर्जीज होती हुई दिखाई देगी अब क्या हमारे लिए क्या आपके लिए और मेरे लिए क्या यह वैलिड है क्या यह अच्छा है कि इतने सारे अलग अलग टाइप की एनर्जीज़ पढ़ी जाए रोटेशनल एनर्जी भी पढ़ो वाइब्रेशनल एनर्जी भी पढ़ो नहीं क्या हम पागल हैं, कि हम इतनी सारी एनर्जीज़ पढ़े नहीं इतनी सारी एनर्जी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है तो क्या किया जाए तो थर्मोडाइनेमिक्स कहता है कि एक काम करो एक काम करो आप फालतू झंझट में मत पढ़ो आप फालतू परेशानी में मत पढ़ो आप एक कॉमन एनर्जी पढ़ लो एंड कॉमन एनर्जी द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल सिस्टम एक केमिकल रिएक्शन करते वक्त उस केमिकल रिएक्शन में जितनी पॉसिबल टाइप की एनर्जीज होगी उन सब का अपन सम कर लेंगे एंड दैट टोटल एनर्जी विल बी योर इंटरनल और इंट्रेंसिक एनर्जी तो अगर आपसे कोई बोलता है दैट व्हाट इज इंटरनल एनर्जी और इंट्रेंसिक एनर्जी जिसका सिंबल यू है तो आप क्या बोलेंगे इंटरनल एनर्जी और इंट्रेंसिक एनर्जी इज द सम ऑफ़ ऑल द पॉसिबल एनर्जीज दैट आर प्रेजेंट इन अ सिस्टम एक सिस्टम में जितनी भी पॉसिबल एनर्जीज है उन सबका सम इंटरनल एनर्जी कहलाता है इंटरनल एनर्जी को क्यू पढ़ा जा रहा है फॉर आवर कन्वीनियंस हमारे आसानी के लिए हमारे लिए हम इजीली किसी सिस्टम की एनर्जी चेंज को पढ़ लें कि जब रिएक्शन शुरू हुई थी तब उसकी कितनी एनर्जी थी जब रिएक्शन खत्म हो गई तो उसकी कितनी एनर्जी है हमको तो थर्मोडाइनेमिक्स में ही पढ़ना है लेकिन इतने टाइप की एनर्जी एक एक करके हम कभी नहीं पढ़ेंगे हम इन सब की एनर्जी का सम कर लेंगे तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन की शुरुआत में टोटल एनर्जी कितनी थी यानी इन सब का सम इन सभी एनर्जी का सम रिएक्शन की शुरुआत में कितना था और बाद में कितना एंड दैट इज कॉल्ड एस इंटरनल एनर्जी क्या ये कंसेप्ट समझ में आया क्या इन सारे एनर्जीज के नाम लिखना चाहते हो तो एक सेकेंड पॉज करके लिख लो ठीक है कोई दिक्कत अच्छा समझ में आ गया बहुत बढ़िया अरे मेरा महाराज चू सेवा अस्पताल की बेंच नहीं क्या बोल रहा हूं अरे मेरा च्यू सेवा आम की गुटली शिव से वे आम के घट लिया अब तो आम आते ही नहीं मार्केट से पता नहीं कहां चलेगा आजकल मिलता ही नहीं है चलो आगे बढ़ते डेफिनेशन की बात करते हैं इंटरनल एनर्जी सब डेफिनेशन लिखेंगे इंटरनल एनर्जी डिनोटेड बाय यू इज द धा 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 इज द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ब्रैकेट में लिखेंगे केमिकल एनर्जी भी हो सकती है अब केमिकल एनर्जी मैंने स्पेसिफाई कर दिया केमिकल एनर्जी मतलब बॉन्ड टूटना बॉन्ड बनना इलेक्ट्रॉन डोनेट होना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होना इलेक्ट्रॉन शेयर होना केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए जितनी भी केमिकल एनर्जी वो हो गई देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी अलग अलग टाइप की एनर्जीज होती है मैकेनिकल एनर्जी एक्सेट्रा तो इंटरनल एनर्जी यू इज द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज दैट आर पजेस्ड बाय अ सिस्टम जो एक सिस्टम पजेस करता है एक सिस्टम के पास जितनी भी एनर्जी होती है उन सब का सम उन सब का सम इज योर इंटरनल एनर्जी अगर आप इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे यानी यू टोटल इज इक्वल टू यू मैंने आपको एक वाइब्रेशनल एनर्जी पढ़ाई थी तो वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी प्लस और कौन सी एनर्जी थी बस ठीक है और भी लिख लो प्लस एक्सेट्रा जितनी एनर्जी है उन सब का प्लस करते जाओ उन सब का प्लस करते जाओ इट विल गिव यू टोटल इंटरनल एनर्जी एंड इसको इंटरनल एनर्जी भी बोल सकते हैं और वी कैन से टोटल इंटरनल एनर्जी टोटल और यू मतलब इंटरनल एनर्जी तो टोटल इंटरनल एनर्जी ठीक है कोई परेशानी कोई समस्या अब आगे बढ़ते हैं ये टोटल इंटरनल एनर्जी कब अफेक्ट होगी व्हेन टोटल इंटरनल एनर्जी व्हेन टोटल इंटरनल एनर्जी कैन बी अफेक्टेड यानी वो कौन कौन सी कंडीशन है जब आपकी टोटल इंटरनल एनर्जी अफेक्ट होगी यानी टोटल इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज आएगा जैसे मान लो मैं एक रिएक्टेंट हूं मुझे कोई केमिकल रिएक्शन करनी है तो मैं रिएक्टेंट पे से प्रोडक्ट में बदलने वाला हूं अब मैं प्रोडक्ट बन गया मैं पहले रिएक्टेंट था अब मैं प्रोडक्ट बन गया तो रिएक्टेंट की टोटल इंटरनल एनर्जी और रिएक्टेंट की टोटल इंटरनल एनर्जी में फर्क है तो हमारी एनर्जीज में फर्क कौन ला सकता है या किसी भी एक सिस्टम की जैसे मैं एक सिस्टम हूं मेरी इंटरनल एनर्जी में चेंजेस कब आएंगे पहला केस व्हेन हीट इज गिवन और रिलीज बाय द सिस्टम एक सिस्टम के द्वारा या तो हीट किसी को दे दी गई हो या दूसरी भाषा में उसको बोलते रिलीज कर दी गई हो बाय द सिस्टम और इस ऑब्जॉर्ब बाय द सिस्टम यानी या तो आपका सिस्टम एनर्जी को किसी को दे दे या रिलीज कर दे या अब्जॉर्ब कर ले तो जब एक सिस्टम हीट अब्जॉर्ब करेगा कहीं से हीट लेगा तो हीट अंदर लेने की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा और जब हीट अब्जॉर्ब करेगा तो मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ेगी हम लोग यह बात सब जानते हैं कि जब कभी भी कोई मॉलिक्यूल हीट अब्जॉर्ब करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बदल जाती है जैसे आपने सुना होगा आपको मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ाया भी है गरम गरम खाने की खुशबू ज्यादा दूर तक फैलती है क्यों क्योंकि जब खाना गर्म होता है तो उसकी फ्रेग्रेंस जो गैशियस मॉलिक्यूल है खाने की फ्रेग्रेंस क्या है गैस तो जब वो गैस गर्म होगी तो दूर तक फैलेगी दूर तक क्यों फैल रही है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो जब हीट ऑब्जॉर्ब होगी जब हीट ऑब्जॉर्ब होगी तो एनर्जी बढ़ेगी यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी जो पहले थी हीट ऑब्जॉर्व करने के बाद बढ़ गई या तो वो हीट रिलीज कर दे अब जब वो हीट रिलीज करेगा तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी जैसे आपने सुना होगा जब खाना ठंडा हो जाता है तो ठंडे खाने की खुशबू नहीं आती क्यों क्योंकि जितनी भी एनर्जी थी वो रिलीज कर दी तो अब वो गैस के पार्टिकल ज्यादा तेज तेज मूव नहीं कर पाए तो यहां से यहां तक पहुंच पाएगा बस दूर तक नहीं निकल जाएगा घर के कोने तक नहीं चला जाएगा यहां से यहां चला जाएगा बस या इस कमरे में फैल जाएगा बस तो जब हीट अब्जॉर्ब हुई तो इंटरनल एनर्जी बढ़ी और जब हीट रिलीज करी या किसी को दे दी सराउंडिंग को दे दी तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी मतलब आप आपके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के साथ खिलवाड़ कर सकते हो कैसे या तो सिस्टम को हीट दे दो या उस सिस्टम से हीट ले लो पहला बात समझ में आ गया क्या इस पॉइंट के अंदर कोई दिक्कत वीडियो पॉज करके जल्दी से ये पॉइंट लिखो क्योंकि मुझे इसे रब करना पड़ेगा या स्क्रीनशॉट ले लो अपन ये पॉइंट रब करने वाले स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट वर्क इज डन वर्क इज डन बाय द सिस्टम वर्क इज डन द सिस्टम और ऑन द सिस्टम अब देखो इस बात को समझो समझते इस बात को जैसे मान लो ये मेरा सिस्टम है ये अपना सिस्टम है सिस्टम पानी है अब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम मैं इस सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा हूं ये तो अब इस पानी की इंटरनल एनर्जी बदल गई जो पहले थी तब पानी एकदम शांत सुशील संस्कारी आलोकनाथ जैसा पड़ा हुआ था वर्क किया मैंने सिस्टम पे एनर्जी बदल गई तो जब आप सिस्टम के ऊपर वर्क करोगे यानी आप कुछ ऐसा करोगे कि आप सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हो एनर्जी बदल जाएगी आपने देखा या वर्क इज डन बाय द सिस्टम जैसे आपने गाड़ियों में इंजन देखा होगा गाड़ी का इंजन क्या करता है ऐसे ऐसे, ऐसे मूव करता है गाड़ी के इंजन में ऐसे बहुत सारे आप देखना कभी थ्री डायग्राम तो ऐसे चेंबर्स बने हुए होते हैं और उनमें से वर्किंग पिस्टन लगे हुए होते हैं उनमें से पिस्टन लगे हुए होते हैं और इन चेंबर्स के अंदर पेट्रोल आता है तो ये पिस्टन पहले नीचे जाता है फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऐसे ये पिस्टन लगातार मूव करता है और इसके मूवमेंट की वजह से पेट्रोल कंबस्ट होता है पेट्रोल जलता है और उससे जो एनर्जी निकलती है हमारी गाड़ी चलती है तो यहाँ पर आपका इंजन के द्वारा वर्क किया जा रहा है आपका इंजन वर्क कर रहा है जिससे एनर्जी निकल रही है इसके वर्क करने की वजह से इसमें से एनर्जी निकल रही है जो हमारी गाड़ी यूज करके आगे बढ़ रही है तो यहां पर मैं या आप इस चेसिस को इसको ऐसे 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 हम लोग नहीं हिला रहे ये खुद हिल रहा है मतलब यह खुद वर्क कर रहा है तो इसको बोलेंगे वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो या तो आपका सिस्टम खुद वर्क करे और एनर्जी छोड़े या तो आप उसके ऊपर कुछ वर्क करो आप उसे कुछ एनर्जी दो तो जब आप उसके ऊपर वर्क करोगे एनर्जी बढ़ेगी और जब वो वर्क करेगा एनर्जी घटेगी और तीसरा फंडा मैटर एंटर्स और लीव्स द सिस्टम बिल्कुल इजी है अगर आपके पास कम पेट्रोल है या अगर आपकी गाड़ी में से मैं पेट्रोल निकाल लू तो आपकी गाड़ी ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी क्योंकि पेट्रोल कम है पेट्रोल से मिलती है एनर्जी तो कम एनर्जी तो गाड़ी ज्यादा दूर नहीं जाएगी और अगर मैं आपकी गाड़ी में पेट्रोल डाल दूं और जितना है उससे ज्यादा डाल दू तो आप ज्यादा दूर तक निकल जाओगे तो मैटर अगर एंटर करेगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या है मॉलिक्यूल्स या एटम्स की टोटल एनर्जी तो जब एंटर करेगा कोई मैटर तो मॉलिक्यूल्स और एटम्स बढ़ेंगे तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी और जब मैटर निकल जाएगा तो मॉलिक्यूल एटम कम हो जाएंगे तो एनर्जी भी कम हो जाएगी तो ये तीन फैक्टर्स हैं जो आपके इंटरनल एनर्जी को अफेक्ट करेंगे आराम से इसको जरा नोट कर लो अच्छे तरीके से ठीक है मेरे प्यारे बच्चों ठीक है चलिए आगे बढ़ते नौ कहीं से एक बात मैं आपको बताता हूं कि अगर मैं किसी सिस्टम की एनर्जी के बारे में पढ़ना चाहूं तो मेरे लिए यह इंपॉसिबल है मेरे लिए ये इंपॉसिबल है टू कैलकुलेट द एनर्जी वी कैन नॉट कैलकुलेट द एनर्जी वी कैनॉट कैलक्यूलेट द एनर्जी वी कैन ओनली मेजर देम हम लोग उन्हें सिर्फ क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं मुझे एक बात बताइए क्या कल के वीडियो में क्या कल के वीडियो में मैंने आपको यही बात कही थी क्या कल के वीडियो में मैंने आपसे यही बात शेयर की थी जरा सोचिए मैंने आपको बताया था कुछ स्टेट फंक्शन के बारे में क्या बताया था स्टेट फंक्शंस स्टेट फंक्शंस वो होते हैं स्टेट फंक्शंस वो प्रॉपर्टीज होती है जिन्हें हम सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते याद है यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कुछ ऐसी इंटरनल एनर्जीज़ की जिन्हें हम कैलकुलेट नहीं कर सकते जिन्हें हम कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हमें बस उन्हें क्या करना होगा हमें उन्हें मेजर करना होगा एक बार ध्यान से मेरी कही हुई बात पर फोकस करने की कोशिश करो बहुत सारे बच्चे इस पॉइंट पर आकर कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर कल आपने कहा था पिछले वीडियो में आपने कहा था दैट इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी यू देन आपने कहा था गिव्स फ्री एनर्जी देन आपने कहा था इंथेलपी देन आपने कहा था एंट्रोपी ये सब सिर्फ और सिर्फ स्टेट फंक्शन कहलाते हैं बिकॉज वी कैन ओनली कैलक्यूलेट देम आप इन्हें सिर्फ क्या कर सकते हैं वी कैन ओनली कैलक्यूलेट दैम आप इन्हें सिर्फ कैलक्यूलेट कर सकते हो लेकिन आज आप कह रहे हो कि आप एनर्जी को कैलक्युलेट नहीं कर सकते सिर्फ मेजर कर सकते हो तो प्यारे बच्चों यहां पर मैं जो एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं कौन कौन सी एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ जैसे आपकी रोटेशनल एनर्जी मैं बात कर रहा हूँ यहां पर आपसे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसलेशन एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी मतलब ये वो सारी एनर्जी है जो मिलकर आपके मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी बनाती है तो वो सारी एनर्जीज जो कंबाइन करके कंबाइन टू फॉर्म इंटरनल एनर्जी आप इन सभी एनर्जीज़ को कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि कैलकुलेट करने के लिए आपके पास में एग्जैक्ट वैल्यूज और एग्जैक्ट नंबर्स होने चाहिए लेकिन आप यहां पर जो इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए या ये सारी एनर्जी निकालने के लिए जब आप देखोगे जब आप केमिकल रिएक्शन को देखोगे तो वहां तो आपको एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आप तो एक अंदाजा लगाते हो कि मैंने वन मोल सब्सटेंस लिया है लेकिन क्या आप कभी एग्जैक्ट वन मोल ले पाओगे नहीं प्लस माइनस होता रहता है इसीलिए इन सारी वैल्यूज को आप कभी एग्जैक्ट निकाल नहीं सकते तो हम इसके कैलकुलेशन की तरफ कभी नहीं जाते आर ओनली इंटरेस्टेड इन देअर मेजरमेंट हम इनके सिर्फ मेजरमेंट पर इंटरेस्टेड होते हैं वहीं इंटरनल एनर्जी यानी ओवरऑल एनर्जी इन सब का सम जब इन सब एनर्जीज को आप मेजर करके जब आप इन सब एनर्जी को मेजर करके इनका सम बना लोगे इंटरनल एनर्जी तो इंटरनल एनर्जी क्या आपने मेजर करी क्या इंटरनल एनर्जी आपने मेजर करी आप सोचो डिड यू मेजर द इंटरनल एनर्जी नो यू हैव कैलकूलेटेड इट हाउ यू हैव कैलकूले जब आप इन सभी एनर्जी का सम कर लोगे यानी मैथमेटिकली जोड़ दोगे तो आपके पास में इंटरनल एनर्जी आ जाएगी आप बात को समझो जब तक गहराई में नहीं उतरोगे मजा नहीं आएगा क्या बोला मैंने जब इन सभी एनर्जीज को आप मेजर करोगे और इनकी वैल्यूज को जोड़ दोगे ऑन पेपर मैथमेटिकली यू विल गेट इंटरनल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी को आप मेजर नहीं कर रहे हो आप उसे कैलकुलेट कर रहे हो इसीलिए इंटरनल एनर्जी एक प्रकार का स्टेट फंक्शन है आप मेरी बात समझ गए कोई दिक्कत तो इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या की जाएगी कैलकुलेट और हम लोग क्योंकि थर्मोडाइनेमिक्स पढ़ रहे हैं वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन इंटरनल एनर्जी गिव्स एनर्जी इंथेल्पी एंड एंट्रोपी हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि ये कैसी एनर्जी है कितनी है क्यों है तो हम लोग बस एक बात ये मैंने आपको सिखाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताई दैट वी कैन नॉट कैलकुलेट दीज प्रॉपर्टीज वी कैन ओनली मेजर द प्रॉपर्टी क्यों क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज टॉमिक मॉलिक्यूलर और आयोनिक लेवल की है और आपको पता नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू मॉलिक्यूल्स की कितनी है या कितने एग्जैक्ट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप इमेजिन कर रहे हो मोल्स आपने इमेजिन करे कि अगर मैंने इतने ग्राम ये ले लिया तो इसके इतने मोल्स आ गए या मैंने 22.4 लीटर गैस ले ली तो उसके 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू ट्वेंटी पावर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स आ गए आए क्या रियलिटी में तुम गिनने गए थे नहीं तो आप लोग इसकी बात नहीं कर सकते इज दैट क्लियर टू यू सो देर फोर में यहां पर लिखूंगा सो देयर फोर वी कैन नॉट या हम लोग ऐसा लिखेंगे वी आर ओनली इंटरेस्टेड टुवर्ड्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप सिर्फ इंटरनल एनर्जी के चेंज पर बात करोगे इन सभी एनर्जी के ऊपर आपको कोई बात नहीं करनी है इंटरनल एनर्जी इन सब के सम से बन जाएगी मतलब आपको जो इंटरनल एनर्जी दे दी वो बात खत्म तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हाउ जैसा मान लो एक रिएक्शन हो रही है ए से बी ए का मैंने माना इंटरनल एनर्जी U1 है और B जो आपका प्रोडक्ट है उसका इंटरनल एनर्जी U2 है तो हाउ वी विल डिसाइड चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या इंटरनल एनर्जी को आप मेजर करोगे नहीं ये इंटरनल एनर्जी कैसे आई बाय द सम ऑफ ऑल दिस एनर्जी ये इंटरनल एनर्जी कैसे आई बाय द सम ऑफ ऑल दिस एनर्जी अब आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी आपको डेल्टा यू निकालना है तो आप डेल्टा यू के लिए कुछ मेजरमेंट करोगे नहीं आप क्या करोगे यू टू माइनस यू वन कर दोगे यानी फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी तो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी या इसका एक फॉर्मूला और हो जाएगा दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बस दिस इज द फॉर्मूला ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो अब से एक बात दिमाग में बैठा लो कि आपको इन एनर्जी से कोई मतलब नहीं है आपको इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम इसे कैलकुलेट कर नहीं सकते, कैलकुलेशन भाड़ में जाए आपको इंटरनल एनर्जी इनिशियल और फाइनल से मतलब है जिसका तरीका मैं आपको सिखाने वाला कि कैसे मालूम पड़ेगी अब आप मन में सोच रहे कि यार ये बोल रहा है चश्मट ये चश्मे वाला बड़े बड़े बाल वाला बोल रहा है भूत कि तेरे को इससे कोई मतलब नहीं है तेरे को इससे मतलब है फिर कहता है कि ये आई कैसे इन सब के सम से अबे तो इससे तो मतलब होना चाहिए नहीं मैं आपको अब तरीका सिखाऊंगा कि इनिशियल और फाइनल इंटरनल एनर्जी कैसे पता करे आम जो किंग मिया पास्ता आखिरी पास्ता इतना समझ में आया फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो जरा अब मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझाता हूं कि मैं कैसे पता लगाऊंगा किसी भी सिस्टम की इनिशियल और फाइनल इंटरनल एनर्जी ठीक है ले लिया स्क्रीनशॉट चलिए आगे बढ़े ले लिया इतने का स्क्रीनशॉट क्या हम इसे रब करके आगे बढ़ सकते हैं चलिए बहुत बढ़िया मेरा प्यार प्यार, प्यार बच्चा आप इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि इन सारी एनर्जी को रोटेशनल वाइब्रेशनल न्यूक्लियर वगैरह वगैरह को आप लोगों को भूल जाना है तो क्यों भूल जाना है सर थोड़ा बताओ तो प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लोगों को अगर इंटरनल एनर्जी पता करनी है तो उसको पता करने का एक बेस्ट तरीका है बताइए क्या मैं आपको बताता हूं भले ही मैं आपके पिछवाड़े पे लगा दूं आग बाय यूजिंग माचिस या मैं आपके पीछे चिपका दूं गरम गरम तवा भाई दर्द तो उतना ही होगा समझ लो बात को आप मुझे गालियां तो उतनी दोगे मतलब अगर मैं आपको पीछे आपके चटका लगा दूं आग लगा दूं गरम गरम तवे पे बैठा दूं जैसे गोलमाल में तुषार का आया, माया, आया 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 बैठा देते हैं उसको गोलमाल थ्री में भाई बम तो उतना ही जलना है और जब बम जलेगा तो आपका गुस्सा बढ़ेगा गुस्सा बढ़ेगा तो आप मारोगे ठीक उसी तरह अगर मैं किसी रिएक्टेंट को या अगर मैं किसी सिस्टम को किसी भी तरीके से भले उस पर वर्क करके उसको हीट प्रोवाइड करके किसी प्रकार से कोई एनर्जी भाई रोटेशनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी किसी भी प्रकार की एनर्जी हो एनर्जी एनर्जी है समझ रहे हो एनर्जी तो एनर्जी है तो आप अगर उसे हीट देते हो उस सिस्टम को आग लगाते हो या उस सिस्टम को करंट देते हो या उस सिस्टम पर किसी तरीके का मैकेनिकल फोर्स लगाते हो ये सब क्या करेंगे उसकी एनर्जी बढ़ाएंगे आप मेरी बात समझना ये सब क्या करेंगे उसकी एनर्जी बढ़ाएंगे अब अगर किसी चीज की एनर्जी बढ़ रही है मतलब नो डाउट उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा अंडरस्टैंड नो डाउट उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा आप चाहो तो इसको आजमा लो जब तुम्हारे घर पर गरम-गरम खाना बनता है तुम्हारा फेवरेट जब मंचूरियन घर पे अगर बन रहा है तो तुम लोगों को घर के गेट तक खुशबू आ जाएगी आज घर पे मंचूरियन बना आज फोड़ना है क्यों क्योंकि उस समय मंचूरियन की जो खुशबू है वो गर्म है और जब कोई चीज गर्म होती है वो बहुत दूर तक स्प्रेड होती है मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तभी वो दूर तक भई और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा क्यों है क्योंकि वो गर्म है तो जब कभी भी वो गर्म क्या है हीट एनर्जी हाई गर्मी तो मतलब कि अगर किसी सिस्टम की एनर्जी ज्यादा है मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा है और अगर किसी सिस्टम की एनर्जी कम है मतलब उसका टेम्परेचर कम है मतलब अगर मैं किसी सिस्टम का जिसके द्वारा वर्क किया जा रहा है या उस सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है सुनना मेरी बात अगर मेरे द्वारा एक सिस्टम जिसके ऊपर वर्क किया जा रहा है या जिसके द्वारा वर्क किया जा रहा है जो हीट अब्सॉर्ब कर रहा है जो हीट छोड़ रहा है जिसमें मैटर एंटर कर रहा है जिसे मैटर छोड़ के जा रहा है अगर इन दोनों केसेस में इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर नोट कर लू तो क्या मुझे इंटरनल एनर्जी का पता चल जाएगा बिल्कुल पता चल जाएगा क्यों? जैसे फॉर एग्जाम्पल हूं मैं एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा हूं तो अभी मेरा टेम्परेचर नोट कर लो अब मैंने एनर्जी अब्जॉर्ब करना चालू करी एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली मैंने मेरी एनर्जी बढ़ गई अब मेरा टेम्परेचर नोट कर लो यू विल फाइंड अ डिफरेंस इन टेम्परेचर मतलब आपको पता चल जाएगा कि इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है क्यों क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ गया मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ गई टेम्परेचर घट गया मतलब इंटरनल एनर्जी घट गई सिंपल मैन यार क्या है इसमें वाह समझ गए बात को चलिए तो नाउ वी विल सी दैट हाउ चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन टेक्स प्लेस हम यहां पर देखने वाले हैं दैट हाउ इंटरनल एनर्जी कैन इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे हो सकता है अब हम लोग यहां पर देखने वाले हैं वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चेंज इन इंटरनल एनर्जी जिसे मैं लिखने वाला हूं डेल्टा यू से पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि इंटरनल एनर्जी में चेंज आप वर्क करके कैसे कर सकते हो और मैं इसके साथ साथ यह भी प्रूफ करूंगा कि इंटरनल एनर्जी एक तरीके का स्टेट फंक्शन है ये एक प्रकार का स्टेट फंक्शन है मैं ये भी प्रूफ करूंगा बस एक बार जरा दिमाग में रिकॉल कर लो स्टेट फंक्शन क्या था जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करे किस पार्ट से बदलाव आया है किस रास्ते से बदलाव आया है उस पर कोई फर्क नहीं पड़े उसे स्टेट फंक्शन बोलेंगे तो हम यहां पर इसे प्रूफ करेंगे देखो नाउ मान लो मेरे पास में एक सिस्टम है ये रैक्स सिस्टम इस सिस्टम के अंदर मैंने लेट से पानी भर दिया सो दिस इज योर सिस्टम फिल्ड विथ वॉटर यानी योर सिस्टम इज वाटर और यहां पर मैंने जो वॉल्स लगाई है यहां पर मैंने जो वॉल लगाई है ये कैसी है, है। ये अडायबेटिक वॉल्स है यानी ये कंडीशन कैसी है अडायबेटिक यानी देर इज नो चेंज इन हीट इसके अंदर हीट का कोई आदान प्रदान नहीं होगा मतलब देर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस यानी एक ऐसा सिस्टम होगा ये आइसोलेटेड सिस्टम आप इसे रखो मैटर का बदलाव नहीं होना चाहिए क्योंकि मैटर कम ज्यादा हुआ तो इंटरनल एनर्जी बदल जाएगी इसलिए हम लोगों को आइसोलेटेड सिस्टम लेना है ना जिसमें ना तो मैटर का कोई एक्सचेंज हो ना तो कोई मैटर अंदर से बाहर जाए ना एनर्जी अंदर से बाहर जाए तो आपके बारे में है, आइसोथर्मल नहीं है हम टेम्परेचर बदलने वाले हैं में चेंज आएगा लेकिन हीट का कोई आदान प्रदान नहीं है वो मैटर के साथ यानी आपके सिस्टम के साथ होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग इस सिस्टम के ऊपर मैकेनिकल वर्क कर सकते हैं हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं सिस्टम के ऊपर मैकेनिकल वर्क कर सकते हैं और कितना मैकेनिकल वर्क करेंगे वन किलोजूल पर मोल का इतना आप इसको वर्क करो इतना वर्क करो कितना वन किलो जूल पर मोल का मैकेनिकल वर्क मतलब क्या हो सकता है आप इसे बहुत तेज तेज रोटेट कर सकते हो आप इसे बहुत तेज तेज शेक कर सकते हो आप इसके अंदर कोई पैडल डालकर पैडल को मूव कर सकते हो पैडल को कैसे मूव करोगे जैसे एक पंखा आता है एक ऐसा ग्राइंडर आता है जिसमें ब्लेड्स लगी हुई होती है उसको इसके अंदर डिप करो और उसको घुमाओ तो वो मशीन की वजह से वो घूमता है तो आप ऐसे ऐसे मूव कर सकते हो तो किसी किसी भी एक तरीके से आप इसके अंदर क्या करो मैकेनिकल वर्क करो अब क्योंकि आप वन जूल पर मोल का मैकेनिकल वर्क कर रहे हो नो डाउट आप इसके अंदर वर्क डन कर रहे हो मतलब इसकी एनर्जी बढ़ा रहे हो तो अगर मान लीजिए इनिशियली अगर आप मान लीजिए इनिशियली इसका टेम्परेचर टी था तो इसकी इंटरनल एनर्जी यू वन मानी जाएगी और जब आपने ये मैकेनिकल वर्क करा आफ्टर वर्क डन फाइनली आप देखेंगे कि इसका टेम्परेचर टी हो गया तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी यू टू टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से पता लगा सकते हो तो देर फोर डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा टी टू माइनस टी वन तो उसी तरह चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा यू टू माइनस यू वन तो ये आपके पास में एक पहला तरीका हो गया वर्क डन करने का अब आप एक बात सोचो कि क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है हाँ हमने सिर्फ फाइनल और इनिशियल वैल्यू देखी हमने टेंपरेचर फाइनल और टेंपरेचर इनिशियल देखा हमें इससे मतलब ही नहीं है हमें वर्क डन से मतलब नहीं है कि किस तरीके से वर्क डन किया गया मैकेनिकल वर्क डन किया गया मैं आपसे नहीं पूछूंगा मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि ऐसे किया जा सकता है तो वर्क डन करने का पहला तरीका यह है दूसरा तरीका क्या है आप एक काम करो मैकेनिकल वर्क डन की जगह आप यहां पर इलेक्ट्रिकल वर्क डन कर लो इलेक्ट्रिकल वर्क डन कैसे होता है वन जूल पर मोल का अब यहां पर आपको रोटेशन वोटेशन कुछ भी नहीं करना है। अब यहां पर आप क्या करो इलेक्ट्रोड्स डालो इलेक्ट्रोड्स को डिप करो एंड वोल्टेज पास करो बैटरी लगाओ और करंट पास करो इतना करंट पास करो कि वन जूल पर मोल की एनर्जी अंदर चली जाए तो भी क्या होगा

और फाइनल जब आप वैल्यू चेक करोगे तो भले सेम रहेगा डेल्टा टी का वैल्यू और इनिशियल और फाइनल जब आप करोगे इंटरनल एनर्जी तो आपको डेल्टा यू का वैल्यू भी क्या रहेगा सेम ही मिलेगा तो यह पहला तरीका हो गया इंटरनल एनर्जी में बदलाव लाने का और इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करने का बाय वर्क डन वर्क डन आप मैकेनिकल करो इलेक्ट्रिकल करो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्यों क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है आपको इनिशियल और फाइनल वैल्यू से मतलब होना चाहिए और कोई वैल्यू से मतलब नहीं होना चाहिए आप दो तरीके से वर्क डन करना चाहो दो तरीके से करो समझ में आ रही है बात आपको समझ गए बात को बहुत बढ़िया अब एक चीज अपन आगे चल के देखते हैं नाउ हमने ये तो देख लिया कि आप वर्क डन दो तरीके से कर सकते हो अपन यहां पर लिखेंगे पहला तरीका आप मैकेनिकल तरीके से करो दूसरा तरीका आप इलेक्ट्रिकल तरीके से करो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ टेकन तो हम लोग यहां पर लिखेंगे दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन कौन सा पाथ लिया है इससे हमें कोई मतलब नहीं होता इसलिए एक प्रकार का स्टेट फंक्शन है ठीक है साइड में लिख लेते हैं तो हम लोगों ने क्या किया था हम लोगों ने इनिशियल वर्क डन करने से पहले टेम्परेचर टी वन इंटरनल एनर्जी यू वन मानी फाइनल हमने टेम्परेचर टी टू इंटरनल एनर्जी यू टू मानी तो चेंज इन टेम्परेचर इज टी टू माइनस टी वन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज यू टू माइनस यू वन ये हमने फॉर्मूला देखा नाउ अब ध्यान से सुनना इस बात को इफ डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो अगर इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो आता है तो आप सीधा सीधा बोल देंगे दैट देयर इज नो वर्क डन किसी प्रकार का वर्क डन नहीं किया गया आप हमें चोमू बना रहे हैं अगर डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आप बताइए डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी जब यू फाइनल इज ग्रेटर देन यू इनिशियल आप देखो यू फाइनल क्या था ये यू इनिशियल क्या है ये तो जब फाइनल ज्यादा हो इनिशियल से मतलब इनिशियल एनर्जी कम हो फाइनल एनर्जी ज्यादा हो तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी अब एक बात बताओ फाइनल एनर्जी बढ़ गई इनिशियल एनर्जी कम थी मतलब आपने सिस्टम के ऊपर वर्क किया आपने सिस्टम को खूब शेक किया खूब शेक किया आपने अपनी जान लगा दी सिस्टम को हिलाने में मतलब आपके द्वारा सिस्टम के ऊपर वर्क किया गया जिसकी वजह से उसकी एनर्जी बढ़ गई तो यहां पर आप बोलेंगे दैट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम वर्क कहां किया गया सिस्टम के ऊपर किया गया सिमिलरली अगर डेल्टा यू की वैल्यू नेगेटिव आती है मतलब यू फाइनल अब छोटा हो गया किसके यू इनिशियल के मतलब अब आपने क्या करा आपके सिस्टम से काम करवाया उसने बेचारे ने काम करा और अपनी एनर्जी खो दी अपनी एनर्जी लूज कर दी क्यों क्योंकि उसने काम करा तो जब उसने काम करा तो हम बोलेंगे दैट वर्क इज डन बाय द सिस्टम प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये बोर्ड एग्जाम्स में तो नहीं पर जेई नीट में आते हैं दैट वर्क इज डन बाय द सिस्टम और ये आपकी इंटरनल एनर्जी से आप पता लगा सकते हो टेम्परेचर को मेंशन करके अगर टेम्परेचर कम हो गया है और ये कैसे पता चला यू फाइनल यू इनिशियल आपने टेम्परेचर मेजर करा पहले आपने इनिशियल टेम्परेचर ले लिया फिर फाइनल टेम्परेचर ले लिया इस तरीके से आपको पता चल जाएगा क्या ये बात समझ में आ गई अभी मैं आपको अंदाजा लगाना बता रहा हूं टेम्परेचर की मदद से इसका लेकिन ये जो यू की वैल्यू यू वन यू टू की वैल्यू अपन आगे चल के देखेंगे इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए होते हैं कुछ अपेरेटस होते हैं जिनकी मदद से हम एग्जैक्ट यू वन और यू टू की वैल्यू निकाल लेते हैं वो मेजर कर देगा आपको ठीक है तो वो अपन देखेंगे कैसे होगा वो मशीन होती है कुछ जो एक मॉलिक्यूल की जितने इंटरनल एनर्जी सब निकाल लेगी उसको जोड़ देगी तो आपको U1 की वैल्यू और फिर बाद में U2 की वैल्यू मिल जाएगी आप दोनों को सम कर दो माइनस कर दो या हमारे पास में कैलकुलेट करने के लिए कुछ कैलकुलेशंस होते हैं जो अपन सीखेंगे जो मैं आपको अभी बताने ही वाला हूं दो मिनट में कि आप डेल्टा यू की वैल्यू या यू की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो वो मैं आपको तरीका बताऊंगा क्योंकि ये इंटरनल एनर्जी और ये स्टेट फंक्शन है मतलब आप इसको मेजर तो कर नहीं सकते आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी देखेंगे कि आप U की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो ये U1 U2 कैसे आया ये हमको फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा जो हम आगे चल के देखेंगे लेकिन अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि U1 और U2 किस प्रकार टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है मतलब आप टेम्परेचर मेजर करके ही बता सकते हो कि इंटरनल एनर्जी में क्या बदलाव आया होगा और इंटरनल एनर्जी के बदलाव से आप यह बता सकते हो कि, कि थ्रू अच्छा, भी देख सकते हैं हम लोग हीट के थ्रू भी देख सकते हैं इसको लिख लिया स्क्रीनशॉट ले लो इसका फिर आगे चलते हैं ले लिया चल अरे शानदार बहुत बढ़िया सरकारी अस्पताल के छोटी हुई बेंच में लगी हुई खेल कैसा है तुम्हारा शोना बाबू क्या उसने था न थाया <laughs> चलिए दूसरी बात करेंगे अपन हीट हाउ वी कैन फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय हीट आप इंटरनल एनर्जी को चेंज होते हुए कैसे देख सकते हो बाय हीट अब हीट क्या है इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी अब यहां तो सीधा सा गणित है आप एक यहां पर एक सिस्टम ले लो या तो ये आपका सिस्टम हो गया अच्छा सिस्टम में आपने ले लेट से वाटर ले लिया अब यहां पर ये यह जो वॉल्स है ये इंसुलेटिंग वॉल्स नहीं है दीज आर नॉट इंसुलेटिंग वॉल्स मतलब ये क्या है ये एक प्रकार का आप मान लो क्लोज सिस्टम है वेयर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कैन टेक्स प्लेस यहां पर आप ध्यान रखना एनर्जी एक्सचेंज कैन टेक्स प्लेस एनर्जी एक्सचेंज कैन टेक प्लेस मतलब हो सकता है कि आप सराउंडिंग से आप सराउंडिंग से सिस्टम को एनर्जी दे सकते हो या सिस्टम से सराउंडिंग को एनर्जी दे सकते हो यहां पर किसी भी प्रकार का आइसोलेशन नहीं है। उल्टा यहां पर इंसुलेशन है इंसुलेशन भी नहीं बोलना चाहिए सॉरी इंसुलेशन भी रोकता है यहां पर एक प्रकार से एक्सचेंज पॉसिबल है एक दूसरे से एक्सचेंज पॉसिबल कंडक्शन कंडक्शन पॉसिबल है अंदर की हीट बाहर जा सकती है बाहर की हीट अंदर आ सकती है अब मान लो मैं कहूं हीट इज गिवन हीट इज गिवन अगर आप सिस्टम को फर्स्ट केस में हीट दे रहे हो तो क्या होगा भाई शुरुआत का टेम्परेचर इनिशियल टी वन होगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी यू वन होगी फाइनल टेम्परेचर टी टू होगा तो इंटरनल एनर्जी यू टू हो जाएगी और ये यू वन से यू टू या टी वन से टी टू क्यों हुई बाय एब्जॉर्बन ऑफ हीट इसने हीट ऑब्जॉर्ब करी आप यहां पर हीट क्या दे रहे हो आप इसे हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो नो डाउट यहां पर T2 T1 से ज्यादा हो जाएगा आप किसी चीज को हीट प्रोवाइड करते हो टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी तो ये वाले केस में आपको जो डेल्टा U का वैल्यू है यानी यू टू माइनस यू वन वो कैसा मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा वेन हीट इज गिवन टू द सिस्टम और अगर आप यहां पर हीट को रिलीज करवाना चाह रहे हो इफ हीट इज रिलीज यानी सेकेंड केस में अब जो हीट है वो सिस्टम क्या कर रहा है रिलीज कर रहा है ना बाहर फेंक रहा है हीट को क्या बोल रहा है गेट आउट तो यहां पर क्या होगा डेल्टा यू अगेन यू टू माइनस यू वन लेकिन यहां पर आपको कैसी वैल्यू मिलेगी नेगेटिव मिलेगी क्यों क्योंकि पहले जो इंटरनल एनर्जी रही होगी वो ज्यादा रही होगी बाद के क्यों क्योंकि पहले जो टेंपरेचर रहा होगा वो ज्यादा होगा बाद के क्यों क्योंकि पहले ये गर्म होगा बाद में इसने अपनी हीट बाहर फेंक दी तो एनर्जी देने या हीट देने की वजह से इसका जो एनर्जी लेवल है वो कम हो गया होगा इसकी एनर्जी कम हो गई तो इसका टेम्परेचर कम हो गया टेम्परेचर कम हो गया तो इंटरनल एनर्जी कम हो गई तो प्यारे बच्चों ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आपको अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है अब गाइस तीसरा भी एक कंडीशन होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी पता लगाने का जहां पर दोनों चीजें एक साथ हो सकती है यानी हीट भी भी और वर्क डन वो है हमारे का फर्स्ट लॉ तो थर्मोडाइनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की तरफ अपन चलेंगे जरूर लेकिन वो डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में उसके पहले जरा इतना स्क्रीन ले लो अब बस एक लास्ट बात स्क्रीन ले लिया ना एक लास्ट बात जो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कही थी थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ अगले वीडियो में पढ़ेंगे यानी हीट और वर्क एक साथ जब काम करेगा तो वो फर्स्ट लॉ बनाएगा लेकिन मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि ये ये कैलकुलेट कैसे करा या डेल्टा यू की वैल्यू कैलकुलेट कैसे हुई क्या आप सब लोग जानते हैं कि डेल्टा U स्टेट फंक्शन है मेजर, वी मेजर, हम इसे मेजर नहीं कर सकते इसे नाप नहीं कर सकते हम इसे सिर्फ क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी पता लगाने का बेस्ट तरीका है हमारे पास में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे बोला जाता है कैलोरी मीटर मैं आगे इसे बहुत डिटेल में एक पूरा लेक्चर लेकर समझाऊंगा बॉम्ब कैलोरी मीटर कैसे वर्क करता है कैसा दिखता है लेकिन अभी बस समझो कि एक कैलोरी मीटर के अंदर आप जो भी सब्सटेंस की स्टडी करना चाहते हो आप वो रख दो ये बॉम्ब कैलोरीमीटर उसके ऊपर या तो हीट प्रोवाइड करेगा उसका कंबशन करेगा कंबस्शन करने की वजह से उसके टेम्परेचर में बदलाव आएगा और ये आपको वैल्यू कैलकुलेट करके दे देगा तो बॉम्ब कैलोरी मीटर से आपको मिलेगी हीट कैपेसिटी की वैल्यू बॉम्ब कैलोरी मीटर आपको क्या प्रोवाइड करेगा हीट कैपेसिटी की वैल्यू सी वॉट इज हीट कैपेसिटी हा ठक्कर हाँ हाँ चला जा नीचे चला जाता ना यहाँ पर ही क्यों है वॉट इज हीट कैपेसिटी प्यारे बच्चों इट इज द एनर्जी मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ाया था पर फिर पढ़ा देता हूं रिक्वायर टू रेस रेस्टरेचर ऑफ एनी सब्सटेंस किसी भी एक टेम्परेचर सब्सटेंस का किसी भी एक सब्सटेंस का टेम्परेचर एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको जो एनर्जी लगती है दैट इज हीट कैपेसिटी तो कैलोरी मीटर से आपको जिस भी सिस्टम का सिस्टम मतलब सब्सटेंस जिसकी आप रिएक्शन कर रहे हो तो जिस भी सब्सटेंस का जिस भी सब्सटेंस का भले ही वो आपका रिएक्टेंट हो या आपका प्रोडक्ट हो आप उसका एक स्पेसिफिक अमाउंट एम एम इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप उस कैलोरीमीटर में रखो वो सब्सटेंस जिसका मोलिकुलर मासबू है या मोलर मास है आप कैलोरीमीटर में रखो कैलोरीमीटर में जब आप रखोगे तो जब आप उसे शुरुआत में रखोगे तो आप टेम्परेचर देखेंगे जब कैलोरीमीटर काम करेगा जब उसको कंबस्ट करेगा जब उसमें आग लगाना चालू करेगा तो उसका टेम्परेचर बदल के टी टू हो जाएगा तो डेल्टा टी टी टू माइनस टी मैंने आपसे पहले कहा था इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो कैलोरी मीटर आपको हीट कैपेसिटी की वैल्यू दे देगा और टी टू माइनस टी आप खुद निकाल सकेंगे मास आपको पता है कि आपने कितना लिया है और सब्सटेंस जो लिया है उसका मोलर मास भी आपको मिल जाएगा तो अब आप लोगों को इंटरनल एनर्जी में चेंज इस फॉर्मूले से भी पता लग सकता है क्या यह फॉर्मूला है सी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टेक इस फॉर्मूले से आप किसी भी सब्सटेंस का चेंज इन इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली पता लगा सकते हो बाय द यूज ऑफ दिस कैलोरी मीटर तो अब आपको इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है सिर्फ एक कैलोरी मीटर लो उसमें वो सब्सटेंस कितना मोलर मास वाला है वो रखो कितना मास रख रहे हो वो, वो वैल्यू रखो इनिशियल टेम्परेचर नोट कर लो कैलोरीमीटर ऑन कर दो जब पूरी प्रोसेस खत्म हो जाए तो फाइनल टेम्परेचर लो दोनों को माइनस करो डेल्टा टी की वैल्यू लिखो और कैलोरीमीटर आपको हीट कैपेसिटी की वैल्यू कैसे पता चल जाएगी आपको बताएगा कि मैंने इसको किलो जूल पर मोल एनर्जी दी जिससे इसका टेम्परेचर वन डिग्री बढ़ा या मैंने इसको टेन किलो जूल पर मोल की एनर्जी दी जिससे इसका टेम्परेचर वन डिग्री बढ़ा या मैंने इसको हजार किलो जूल पर मोल की एनर्जी दी जिससे इसका टेम्परेचर वन डिग्री बढ़ा और वो हीट कैपेसिटी की वैल्यू रखो आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपने आप पता चल जाएगा झंझट ही खत्म क्या ये ये बात समझ में आ गई तो यहां पर हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी अच्छे तरीके से पढ़ा चीज एक बार और आगे आपको पढ़ाऊंगा मैं प्रॉमिस करता हूं बॉम्ब कैलोरीमीटर वगैरह में लेकिन अभी आज के लिए इतना ही अगले वीडियो में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कंटिन्यू रखेंगे लेकिन